एक बात याद रखना, जो पेड़ अपने फलों को लुटाते हैं उनमें फिर से फल आ जाते हैं, वह खड़े रहते हैं सदियों। आम का पेड़ सदियों खड़ा रहता है, नीम के पेड़ सदियों खड़े रहते हैं, और जो पेड़ अपने फलों को छुपाते हैं, ध्यान रखना दो तरह की वनस्पति होती है, एक वह है जो लुटाती है और एक वह है जो छिपाती है। जो लुटाती है उनमें लौट लौट कर फल आते हैं, और जो वनस्पति अपने फलों को छिपाती है, छिपाने वाली वनस्पति जमीकंद आलू को छिपा के रखती है धरती के भीतर, प्याज को छिपा के रखती है, लहसुन को छिपा के रखती है, गाजर मूली छिपा के रखती है। जो फलों को छिपाते हैं वो जग से उखाड़े जाते हैं, और जो फलों को लुटाते हैं वो सदियों जीवन का आनंद मना। जड़ से उखाती है वनस्पति, आलू जड़ से उखड़ेगा, ध्यान रखना प्याज जड़ से उखड़ेगी, लहसुन जड़ से उखड़ेगी, क्योंकि इनकी जोड़ने की प्रवृत्ति है, और आम जड़ से कभी नहीं उखड़ता, उसकी छोड़ने की प्रवृत्ति हुआ करती है। ध्यान रखिए, कमाना बुरा नहीं, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का काम, सब पुण्य पाप का खेल है। चामुंडराय यदि अपनी दौलत से गोमते सर बाहुबली की स्थापना ना करते तो अरबों की संपदा के बाद भी इतिहास में उनका नाम अमर ना होता। लेकिन जब चामुंडराय 57 फीट की मूर्ति स्थापित दक्षिण में कर देते हैं तो सारा युग उसे सातवां अजूबा कहकर के पूजा करता है। चामुंडराय का दानव धन ही है, जोड़ने का नाम धन नहीं, जो धन छोड़ा है हकीकत में वही धन हुआ करता है। जो जोड़ के रखता है वह मिट्टी है, और जो छोड़ा जाता है वो सोना हो जाया करता है। ध्यान रखिए, उत्तम त्याग, त्याग का दिन है आज, दान के गुण गाएंगे। त्याग और दान में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। त्याग का दिन है और दान के गुण गा रहे हैं। औषधि शास्त्र अभय आहार, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, अभी पूजा में पड़ा होगा। दान के गुण गा रहे, धर्म है त्याग का। त्याग और दान में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। दान दो के बीच होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में दो की जरूरत नहीं पड़ती है, त्याग कोई लेने वाला हो या ना हो, त्याग दिया तो त्याग दिया। दान पराधीन है, जब तक लेने वाला ना मिले दान कैसे करोगे आप, देने वाला ना मिले तब भी दान नहीं होगा। लेकिन त्याग स्वाधीन हुआ करता है, उसमें दो की जरूरत नहीं पड़ती। दानी को परिग्रही होना जरूरी है, त्यागी को परिग्रही होना जरूरी नहीं है। जब हो गई नहीं तो दोगे क्या? ज्ञानी को जोड़ना जरूरी है, तो त्यागी को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दान थोड़ा सा दिया जाता है अपनी कमाई हुई दौलत का, और त्याग थोड़ा नहीं, त्याग पूरा का पूरा कर दिया जाता है। दान में देने के बाद कुछ बचाया जाता है, त्याग में कुछ नहीं बचाया जाता, त्याग में तो छोड़ा ही छोड़ा जाता। दान में यह देखा जाता है कि कितना छोड़ रहे हो, और त्याग में यह देखा जाता है कितना बचा रहे हो। ध्यान रखिए, दोनों में बड़ा अंतर हुआ करता है मेरे भाई, एक बार विचार करना। दान अच्छी चीजों का होता है, त्याग खोटी चीजों का होता है। दान तो अच्छी चीजें दी जाती हैं, त्याग खोटी। दो तीन चीज है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका दान होता है त्याग नहीं हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग होता है लेकिन दान नहीं हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग भी होता है और दान भी होता है। ध्यान रखिए, महावीर का दर्शन, महावीर का चिंतन, महावीर की सोच, ये पूरा छोड़ दे, तन के कपड़े भी छोड़ दे, यहां
बिठाने की बात तो छोड़, महावीर कहते हैं कि सिद्धालय तेरा इंतजार कर रहा है, ये परिग्रह छोड़, मोक्ष तेरा इंतजार कर रहा है, और अभी तू जिस पैसे को जोड़ता है जा पहले मोक्ष में जाकर रहे, सारी दुनिया अपनी झोली तेरे सामने फैला देगी। क्या कौन कहता है कि परिग्रह का सम्मान है? परिग्रह का कोई सम्मान करता है? सम्मान तो अपरिग्रह का। आज तेरी जिंदगी में 1,00,000 अपरिग्रह की भावना जगी, उस अपरिग्रह ने तुझे माला पहनवा दी। ध्यान रख, एक साधु था, उसके साथ एक नया नया सन्यासी बन गया जोगी। एक दिन कमरे में बैठकर नोट गिन रहा है, दान दक्षिणा ली 11,000, 20,000, 25,000। वृद्ध साधु को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि तू पागल है क्या? जिस दौलत को हम लात मार के आए हैं उसे तू कमरे में गिनता है? लोगों की श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है? नोट अपने पास रखता है? अरे छोड़ दे पागल, तेरा संन्यास का रास्ता है। जानते हो, उस युवा सन्यासी ने कहा कि बाबा जी ये प्रवचनबाजी स्टेज पे करना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो बोले बाप आप तो तू छोड़ आया। बोले टका हरता टका करता टका मोक्ष प्रदायक, बिना टका के तो मोक्ष भी नहीं मिलता है। बाबा कल की रोटी का जुगाड़ नहीं होगा, तुम बूढ़े हो मैं जवान हूं, मैं आज की दुनिया को जानता हूं, पैसा बहुत जरूरी है। बूढ़े ने कहा चलो छोड़ो, दुष्ट बुद्धि का है, एक दिन संभल जाएगा, छोड़ो, अवसर दिया कोई बात नहीं। एक दिन बूढ़ा सन्यासी और जवान सन्यासी जंगल से गुजर रहे थे, रात घिरने को आई, सांझ ढलने लगी, गोधूली की वेला। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि रात बहुत हो रही है, ये नाव वाला चला रहा है नाव, पूछ उससे हमें उस पार कराएगा क्या? उसने कहा अभी पूछता हूं। दौड़ा दौड़ा युवा सन्यासी गया, बोले माल नाविक क्या हमें उस पार पहुंचाएगा? नाविक ने कहा सुबह से आज किसका मुंह देखा मैंने, बोहनी बट्टा तो हुई नहीं, उस शाम को घर जाने का समय है, कि बाबा बैरागी अक्खर फक्कर इनके पास होगा क्या? चलो चलो मैं नहीं चढ़ाता नाव पार। युवा सन्यासी ने कहा क्या चाहिए? बोले उतरवाई लगेगी। बोले देंगे। मल्लाय की आंखें फट गई कि बाबा कहां से देगा? बोले देंगे, है हमारे पास। तो उसने कहा बैठो, दोनों को बिठाया, उस पार पहुंचाया। युवा सन्यासी ने झोली में से नोट निकाले, बूढ़े को दिखाए, कह रहे थे ना कि पैसा कुछ नहीं होता, लो दिखा के चमचमाते लहराते नोट दिखाए, उसे दिए, उस पार चले। थोड़ी दूर चले कि युवा ने कहा बाबा आ गई अकल ठिकाने, कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये पैसे नहीं होते तो आज हमारी नाव इस पार नहीं लगाता, सारी रात ठंड में गुजारना पड़ती। बूढ़ा सन्यासी जोरों से हंसा ठाके लगाकर बोले पागल तू अभी भी नहीं समझा। बोले इसमें क्या समझना, तुम्हारी बात मान लेता पैसा नहीं रखता इस पार नाव कैसे आती? बूढ़े ने कहा अभी भी नहीं समझा, कैसा बावला हुआ है तू? बोले क्या मतलब? बोले जो 20 रुपए तूने उसे दिए हैं, यदि 20 रुपए दबा के रखता तो नाव पार कभी ना होती, 20 रुपए छोड़ दिए इसलिए तेरी नाव इस पार आई। एक बात ध्यान रख, रुपयों को रखने से नैया पार नहीं हुई, बल्कि रुपयों को गांठ में निकाल कर त्याग करने से नाव पार हुई। अरे पागल पूरे फेंक दे, नदी की क्या बात, संसार से भी पार हो जाएगा। ध्यान रखिए, कौन पार? ज्यादा मत जोड़ो, इंसानियत की हत्या मत करिए, इंसानियत से खिलवाड़ मत करिए। भगवान महावीर कहते हैं कि ज्यादा परिग्रह नरक गति का कारण है। तत्वार सूत्र में कहा बब्बारम परिगत्तो सा नारकस्य विषा, नरक में जाता है वो जीव जो बहुत आरम परिग्रह रखता है। महावीर की नजरों में ये हिंसा करने वाला उतना पापी नहीं है, महावीर की नजरों में चोरी करने वाला उतना पापी नहीं है, महावीर की नजरों में
झूठ बोलने वाला भी उतना बड़ा पापी नहीं, भगवान महावीर की नजरों में परिग्रह जोड़ने वाला सबसे बड़ा पापी हुआ करता है, उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, मूर्छा परिणाम नरक गति के कारण है, ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक पाप। वाहरे हम महावीर के पूजने वाले, बड़े मजे की बात है, किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हम उसे अपने पास नहीं बिठाएंगे, हत्यारा है दूर रहे, पापी है हिंसक है मांसाहारी है दूर रहे उनसे। किसी ने चोरी की तो चोर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, झूठ बोलने वाले पर विश्वास नहीं करते, कामुक व्यक्ति पर हम दूरी बना करके रखते हैं, चार पाप करने वालों से हम बचते हैं, क्या बात है कि पांचवें पाप वालों से दोस्ती करते हैं। विचार करिए, देखना सोचना, जबकि महावीर कहते हैं सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह है, परिग्रह से बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि परिग्रहों के साथ सब कोई बैठना चाहे, ये कौन है बड़े आदमी पैसे वाले, परिग्रह के साथ हम कालर ऊंची करके बैठते हैं, परिग्रही व्यक्ति को माला डलती है, स्वागत होते हैं, और तो और महाराज भी अपनी पिच्छी उसके ऊपर रख दिया करते। विचार करें, तीखी बात है, परिग्रह का सम्मान क्यों जबकि वो तो पाप है, महावीर ने उसे सबसे बड़ा पाप बोला है, नरक गति का कारण बोला है। बताओ फिर परिग्रहियों को मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं, परिग्रहों का सत्कार क्यों होता है, परिग्रहियों को, एक गरीब है तो पीछे है, अमीर है तो आगे है। महावीर कह रहे हैं इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ध्यान रखो।